हेलो फ्रेंड, यूट्यूब के इस चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड रुपेश पाटीदार और आज हम बात करते हैं फ्रिज के बारे में, यानी कि फ्रिज कैसे कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रिज में जब आप पानी रखते हो तो वो कैसे बर्फ बन जाता है। आज हम इस वीडियो में इन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। चलिए जानते हैं फ्रिज के बारे में। यदि फ्रिज के वर्किंग की बात की जाए तो फ्रिज रेफ्रिजरेशन साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम सबसे पहले इनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फ्रिज में कई पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी, कंप्रेसर, कंडेंसर, एओपरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेट, कैपिलरी ट्यूब और टाइमर आदि पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यदि कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर में दिल होता है, वैसे ही किसी भी रेफ्रिजरेटर का दिल उसका कंप्रेसर होता है। यह हमारे घरेलू फ्रिज में आपको फ्रिज के पीछे और सबसे नीचे देखने को मिल सकेगा। जैसा कि आपको ऊपर के फोटो में दिखाया गया है, वैसा ही कंप्रेसर आपको घर में फ्रिज के पीछे देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रिज के पीछे ओपन करें तो आप इस कंप्रेसर को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेफ्रिजरेटर को कंप्रेस करता है और पूरे सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेटर के बहाव को बनाए रखता है। कंप्रेसर में दो लाइन होती है जिसमें इसे इन इनलेट लाइन को सेक्शन कहा जाता है, जिसमें कम दबाव और कम तापमान की वेपर अंदर आती है और फिर कंप्रेसर द्वारा इसे पुनः कंप्रेस किया जाता है और रेफ्रिजरेंट को उच्च दबाव और उच्च तापमान पर कंप्रेस कर उसे दूसरी लाइन से बाहर भेजता है, जिसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। नंबर सेकंड है कंडेंसर। अब बात करें हम कंडेंसर की, तो कंडेंसर को भी आप फ्रिज के पीछे आसानी से देख पाते हैं। यह एक प्रकार की जाली होती है और उसके अंदर आपको एक पतली सी पाइप दिखाई देगी जो कंडेंसर होती है। कंप्रेसर से आने वाली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रेफ्रिजरेंट भाप को कंडेंसर ठंडा करने के काम आता है। इसलिए आपने देखा होगा पीछे की जाली कंडेंसर हमेशा गर्म होती महसूस होती है। अब बात करते हैं इवोपरेटर, यानी कि हमारी भाषा में इसे कूलिंग कोइल भी कहा जाता है। इवोपरेटर के दो काम होते हैं। पहला, बाहर की गर्मी को अपने अंदर सोखता है और तरल रेफ्रिजरेंट को भाप बनाता है। इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट का तापमान बाहर के वातावरण के तापमान से हमेशा कम होता है, जिसके कारण यह बाहर के वातावरण की गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और बाहर की गर्मी सूखने के कारण रेफ्रिजरेंट का तापमान बढ़ जाता है और वह भाप बन जाता है। यह कम तापमान और कम दबाव का रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में चला जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हमें इवोपरेटर के अंदर कूलिंग लगातार मिलती रहती है। इस प्रकार रेफ्रिजरेशन साइकिल की मदद से फ्रिज के अंदर कूलिंग होती है। उस कूलिंग को फिक्स तापमान पर रखने के लिए रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता रहता है। फ्रिज में सबसे ऊपर वाला सेक्शन जिसमें बर्फ जमाई जाती है वह सबसे ठंडा हो जाता है और उसके बाहर का सेक्शन जहां पर खाद्य सामग्री इत्यादि रखी जाती है वह उसकी अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। अगला पार्ट है फिल्टर, जो कि कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व या कूलिंग कोइल के बीच में लगा होता है। जब गैस को फिल्टर के अंदर से गुजारा जाता है तो गैस में आने वाली नमी को इसके द्वारा आसानी से सोख लिया जाता है और इसमें एक फिल्टर भी लगा होता है, जिसके कारण उसमें आने वाले कचरा या जंग को भी वहीं आसानी से रोक लिया जाता है। इसके बाद उस गैस को हम कूलिंग कोइल या कैपिलरी ट्यूब में भेजते हैं। अब बात करते हैं थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट एक प्रकार का कूलिंग कंट्रोल डिवाइस होता है, जिसके द्वारा कूलिंग को कंट्रोल किया जाता है। इसी के द्वारा हम गर्मी के दिनों में तापमान को बढ़ा सकते हैं और ठंड के दिनों में तापमान को कम कर सकते हैं। इसके द्वारा फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। कैपिलरी ट्यूब की। कैपिलरी ट्यूब एक प्रकार की नली होती है जो कि बहुत पतली होती है। जब इससे गैस को गुजारा जाता है तो वह
अपने तापमान में काफ़ी गिरावट कर लेती है। अब कैपिलरी ट्यूब जो है इवेपोरेटर और एक्सपल्शन वाल्व के बीच लगी होती है। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, तो वो है टाइमर। बहुत से फ्रिज ऐसे होते हैं जिनमें टाइमर लगा होता है। इस टाइमर की सहायता से हम फ्रिज के चलने की दर को नियंत्रित कर सकते हैं। आजकल फ्रिज में टेट्राक्लोरोइथेन नामक गैस भरी जाती है जिसका नंबर होता है HFC-134 भी कहा जाता है। यह गैस आजकल फ्रिज में आमतौर पर भरी जा रही है। जब इस गैस को कंप्रेसर के माध्यम से कंप्रेस्ड किया जाता है तो उसका तापमान और दबाव दोनों बढ़ जाते हैं और उच्च तापमान और उच्च दबाव वाली यह गैस कंडेंसर में प्रवेश करती है। कंडेंसर में प्रवेश करने के कारण यह लगातार कंडेंसर की नलियों से गुजरती है जिसके कारण वायुमंडल के संपर्क में आ जाती है और अपने तापमान को गिराने लगती है। इस प्रकार इस गैस का तापमान लगातार कम होता जाता है। कंडेंसर से होते हुए वह एक फिल्टर के माध्यम से गुजरती है। फिल्टर में सिलिका जेल टाइप भरा होता है जिसके कारण इस गैस में आने वाली नमी को वहीं सोख लिया जाता है और साथ ही इसमें फिल्टर लगा होता है जिसके माध्यम से कचरे को भी रोक लिया जाता है। फिल्टर से होते हुए यह गैस एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब में प्रवेश करती है। कैपिलरी ट्यूब का इंटरनल डायमीटर बहुत ही कम होता है जिससे होते हुए इस गैस को गुजारा जाता है और इस गैस का तापमान बहुत ही कम हो जाता है और वह गैस इवेपोरेटर में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह गैस धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और इसे इवेपोरेटर में घुमाया जाता है तो वहाँ यह अपनी ठंडक चारों तरफ बिखेर देती है। इस प्रकार हमारे इवेपोरेटर में बर्फ जमने लगती है और इस प्रकार इवेपोरेटर से होते हुए इस गैस को पुनः अब कंप्रेसर में भेजा जाता है जहाँ पर इस गैस का पुनः ही कंप्रेस्ड होना प्रारंभ हो जाता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार फ्रिज हमें कूलिंग लगातार प्रोवाइड करता रहता है और उसमें रखी गई सब्जियाँ फल आदि को नियत तापमान पर सुरक्षित रखता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।